नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपने सभी चार में से चार मैच जीतने के बाद अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से पूरी तरह से भिड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी को लेकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई बड़े और अहम बदलाव करने जा रहे हैं, जिसको देखकर न्यूजीलैंड टीम के कप्तान टॉम लैथम ने मैच शुरू होने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं और हार स्वीकार कर ली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब महामुकाबला और कितने बजे खेला जाएगा और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला महामुकाबला 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। इसी को लेकर भारतीय टीम के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में लगातार इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और भारत ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और 4ों में ही जीत दर्ज की है। इसीलिए अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए हैं, जिसके कारण उनका इस महामुकाबले से खेलने पर संशय बना हुआ है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उनकी टीम के कप्तान भी इस महामुकाबला नहीं खेल सकते हैं केन विलियमसन, क्योंकि वह भी चोटिल हैं। तो वहीं इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमें अपनी अपनी तैयारियों से मैदान पर उतर रही हैं, क्योंकि यह मुकाबला जीतकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप की टॉप पर पहुंचना चाहेगी रैंकिंग में। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम भी इस महामुकाबले को जीतकर टॉप पर बरकरार रहना चाहेगी, लेकिन भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम से बीच हमेशा से ही वर्ल्ड कप में बेहद ही रोमांचक भरा मैच देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप में 9 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारतीय टीम का बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक 5 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं टीम इंडिया ने 3 बार जीत दर्ज कर सकी है, तो वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। यही रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का हमेशा से ही प्रदर्शन खराब रहा है, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में 2019 के में ही न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में करारी हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था। इसलिए रोहित शर्मा इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस महामुकाबले के लिए। रोहित शर्मा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से श्रेयस अय्यर जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को इस महामुकाबले से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है इस महामुकाबले में। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर का भी बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया में एंट्री हो सकती है। तो वहीं इस महामुकाबले के लिए रोहित शर्मा इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पर भारतीय टीम की एक बार फिर से ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और भारतीय टीम को जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने 4 मुकाबले में 3 शानदार अर्धशतक लगाए हैं। तो वहीं शुभमन गिल ने भी पिछले महामुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई। तो वहीं टीम के पास 3 नंबर के लिए एक बार फिर से किंग कोहली का खेला जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि किंग कोहली लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 अर्धशतक तथा 1 शतक लगा चुके हैं, जिसमें उन्होंने पिछले ही मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेली और भारतीय टीम को जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वहीं 4 नंबर के लिए टीम इंडिया में इस मैच के लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहाँ पर पूरी तरह से वर्ल्ड कप में फ्लॉप साबित हो रहे श्रेयस अय्यर की जगह इस महामुकाबले के लिए सूर्य कुमार यादव का खेला जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मौका नहीं मिला है और वह मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए रोहित शर्मा इस महामुकाबले में श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका दे सकते हैं। तो वहीं 5 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन विकेट कीपरिंग और बल्लेबाजी कर रहे
केएल राहुल मौजूद है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जब भी उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो टीम इंडिया को कभी भी निराश नहीं होने दिया है और वह इस नंबर पर सबसे बड़े दावेदार हैं। तो वहीं छठवें नंबर के लिए भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी उलझन का विषय बन चुका है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या इस महामुकाबले में फिट नहीं हुए तो टीम इंडिया के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इसलिए अब उनकी जगह देखना होगा कि रोहित शर्मा किस खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं। अगर हार्दिक पांड्या इस महामुकाबले के लिए फिट नहीं हुए तो उनकी जगह एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर का खेला जाना तय माना जा रहा है। तो वहीं सात नंबर के लिए भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा जैसे धाकड़ ऑलराउंडर मौजूद है, जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें चार मैच खेले हैं उन्होंने 7 विकेट हासिल किए। तो 8 नंबर के लिए टीम के पास कुलदीप यादव जैसे स्पिनर मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन लय प्राप्त कर लिए है और इन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक 6 विकेट ले चुके हैं। तो वहीं टीम के पास 9वें नंबर के लिए जसप्रीत बुमराह जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज मौजूद है, जो अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं और भारतीय टीम के कप्तान के लिए यही सबसे बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह अभी तक 9 विकेट ले चुके हैं। तो वहीं 10वें नंबर के लिए टीम के पास मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी लय प्राप्त कर ली है। अभी तक वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज ने 4 मुकाबले खेले हैं और 4 में ही उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। तो आखिरी नंबर के लिए इस महामुकाबले के लिए मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा इस महामुकाबले को मोहम्मद शमी में जरूर खिलाने का मौका देंगे, क्योंकि टीम इंडिया इस महामुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा से भारत का शर्मनाक रिकॉर्ड रहा है। इसलिए रोहित शर्मा इस महामुकाबले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराने के लिए मैदान पर उतरेगी। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।